ऑस्कर में नियाज खान, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गाहे बगाहे चर्चाओं में रहता ही है। जेएनयू को लेकर पिछले कुछ सालों में एक तथाकथित नैरेटिव बना है कि जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं, जेएनयू में देश को टुकड़े करने के सपने देखे जाते हैं। यहाँ देश विरोधी ताकतें पनपती हैं, यहाँ नक्सली और आतंकी मानसिकता के छात्र ज्यादा पढ़ते हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देते हैं और आजाद देश में भी आजादी के नारे लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जेएनयू क्रांतिकारियों का अड्डा है, जेएनयू बुद्धिजीवियों का मोहल्ला है, जेएनयू में पढ़ने वाले छात्रों का समाज के हर मुद्दे और मसले पर व्यापक नजरिया होता है, जेएनयू के छात्र दूरगामी सोच के होते हैं और जहां भी जिस क्षेत्र में जाते हैं अपना लोहा मनवाते हैं। फिलहाल मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था संभालने वाले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर इसके बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन फिलहाल जेएनयू में जो नया विवाद छिड़ा हुआ है वो रामनवमी की पूजा और नॉनवेज खाने को लेकर है, जिसको लेकर छात्रों के दो गुटों में जमकर भिड़ंत हुई। मामला दरअसल दोपहर में रामनवमी की पूजा को लेकर शुरू हुआ। और शाम होते होते विवाद मारपीट में बदल गया। इसको लेकर छात्रों के दो गुटों की अलग अलग राय है। एबीवीपी का दावा है कि कावेरी हॉस्टल के छात्रों की ओर से रामनवमी पूजा का आयोजन किया गया था। दोपहर बाद पूजा शुरू हुई थी, इसी बीच लेफ्ट विंग के छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद करीब दो घंटे तक पूजा बाधित रही। पूजा खत्म हुई तो फिर टकराव शुरू हुआ। वहीं लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने हॉस्टल में मेस में हंगामा किया, वहां पर जबरदस्ती नॉनवेज ना खाने की स्थिति पैदा की। इस मामले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने एबीवीपी पर कैंपस में मनुवादी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एबीवीपी ने एक बयान में कहा कि कावेरी छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने रामनवमी मनाने के लिए एक पूजा का आयोजन किया था, जो दोपहर 3:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन वामपंथी संगठनों के हंगामे के कारण यह शाम 5 बजे शुरू हो सका। एबीवीपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक सिद्धार्थ यादव ने कहा कि हम कोई पूजा नहीं कर रहे थे, बल्कि यह कावेरी छात्रावास के आम छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था। पिछले 9 दिनों से सब कुछ शांति से चल रहा था। सिद्धार्थ यादव ने आगे कहा कि छात्रावास में मांसाहारी भोजन पर जबरन प्रतिबंध लगाने का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि वामपंथी गठबंधन के सदस्यों को रामनवमी के अवसर पर धार्मिक समारोह आयोजित करने वाले छात्रों से समस्या थी। तो इस तरह से एबीवीपी का लेफ्ट संगठन के ऊपर ये आरोप है। वहीं इस मामले में लेफ्ट का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी बताते हैं। जेएनयू एसयू ने एक बयान में एबीवीपी पर मिस कमेटी पर रात के खाने में मेन्यू को बदलने का आरोप लगाया, साथ ही सभी छात्रों के लिए मांसाहारी खाना न खाने के लिए मजबूर करने और हमला करने का भी आरोप लगाया है। जेएनयू एसयू ने कहा है कि मेन्यू में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के छात्रों के लिए खाने का व्यवस्था है, छात्रों की अपनी व्यक्तिगत पसंद है, एबीवीपी यहां मनमानी कर रही थी। छात्र संघ की ओर से कहा गया कि हॉस्टल सभी के लिए है, ना कि एक वर्ग विशेष के लिए। उन्होंने राइट विंग की नीतियों को हॉस्टल में थोपने का भी आरोप लगाया। तो इस तरह से फिलहाल दोनों ही संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। आप जेएनयू और जेएनयू में हुए इस विवाद पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। शरम करो, शरम करो।